नमस्कार दोस्तों, SS मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीसी ज्वेलर की आज बात करते हैं। 4-5 दिनों से शादी में बिजी था तो आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और म्यूट वाली वीडियो अपलोड कर रहा था दोस्तों, उसमें पॉइंटर का सारा लेना पड़ रहा था। और आपको कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के कि पॉइंटर के जो वीडियो आप बना रहे हो उससे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने फिर अपलोड नहीं किया वीडियो। अब पीसी ज्वेलर को लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, पीसी ज्वेलर के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो आपको इसमें मैं टर्निंग पॉइंट बता देता हूं पीसी ज्वेलर्स में। और आपको जब भी मैं टर्निंग पॉइंट बताता हूं दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलता जरूर है। मैं पीसी ज्वेलर्स में ऊपर भी आपको टारगेट दिलाए हैं, नीचे भी आपको टारगेट 60 रुपये तक दिला दिए हैं। अब मैंने कहा 74 को ब्रेक करने के बाद में 68 जाएगा, और वहाँ से ब्रेक होता है दोस्तों, पेस्ट का सपोर्ट तोड़ते हुए आपको 60 तक दिखा सकता है, क्योंकि 59.50 पे इसका एक बेहतरीन सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो वहीं से इसने बाउंस पेक लिया, 59.50 के लगभग ही जाकर इसने बाउंस पेक लिया है, और वापस ये रिजल्ट यानी कि पहले इसने बाउंस दिखाया है। चलिए इसके रिजल्ट की अपन बात कर लेते हैं। रिजल्ट दोस्त इसके ज़्यादा कोई खास नहीं रहे हैं, ठीक है, इतना नेगेटिव भी नहीं रहे हैं, लेकिन इतने खास नहीं रहे हैं, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब कहें कि इंडिया की नंबर 2 कंपनी में शामिल होती है पीसी ज्वेलर्स, तो इससे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद इतना प्रदर्शन नहीं किया है। तो पीसी ज्वेलर्स में दोस्तों आज यहाँ पे मैं बता दूँ टेक्निकल चार्ट से, तो इसका मतलब कहने का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, इसका न्यूट्रल रहा है इसका जो परफॉर्मेंस है, इसके रिजल्ट के तो न्यूट्रल कह सकते हैं उसको, नेगेटिव भी नहीं कहेंगे पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे, लेकिन न्यूट्रल है। तो लोगों को न्यूट्रल में अगर ये 74 रुपये को ब्रेक करता है, ध्यान रखेंगे इसको, 74 रुपये को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे खिसक सकता है पीसी ज्वेलर्स का, और 70 रुपये के नीचे तक भी जा सकता है पीसी ज्वेलर्स आज इंट्राडे के लिए, आज से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर 74 रुपये का होल्ड करता है पीसी ज्वेलर्स, तो आपको यहाँ पे 81 तक के टारगेट दिखा सकता है पीसी ज्वेलर्स, ध्यान रखेंगे दोनों बातें। 74 रुपये इसमें अहम है, अगर 74 रुपये के ऊपर ये अगर होल्ड करता रहता है ये मार्केट को, तो इसमें 74 रुपये को होल्ड करता है मार्केट को ये, तो ये 81 तक के टारगेट दिखा सकता है आज। अगर 74 को ब्रेक करता है ध्यान रखेंगे 70 रुपये तक भी खिसक सकता है पीसी ज्वेलर्स, क्योंकि ये इसके नीचे भी जाने का दमखम दिखा सकता है, क्योंकि इसका न्यूट्रल रेटिंग रही है, तो मार्केट पे दबाव भी दिख सकता है अगर 74 रुपये का सपोर्ट टूटता है तो। ओके दोस्तों, यही अपडेट देना था आपको इसमें। अगर अपन इसके मार्जिन की बात करें, थोड़ा सा इसका मार्जिन बड़ा है, और प्रॉफिट की बात करें तो इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ है, और नेट सेल की बात करें तो कोई ज़्यादा खास नेट सेल इसमें नहीं है, बढ़ोतरी नहीं आई है, कहने का मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ही अचंभे वाला प्रॉफिट हो गया है, तो ऐसा कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा अनुमान है, मैं जब भी दोस्तों मैं सटीक अनुमान ही मैं अपने आप को 90% की एक्यूरेसी जब मैं बैठा लेता हूँ तब मैं दोस्तों वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके अलावा दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं करता हूं दोस्तों। आपको पता है कि मैं जब भी यहां पे बताता हूं दोस्तों कुछ ना कुछ यहां पे मैं 90% एक्यूरेसी के साथ ही बताता हूं, ऐसा नहीं कि हर यूट्यूब पे चैनल दोस्तों आप देखे होंगे कि यूट्यूब चैनल पर जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद में करते हैं ये इतना बढ़ गया इतना हो गया। मैं दोस्तों पहले ही बता देता हूं संभावना जो मुझे लगती है कि टारगेट आपको काफ़ी यहां पे पैसा आपने कमाया SS मार्केट न्यूज़ से, कमेंट पे आते हैं लोगों ने मतलब लाखों रुपये कमाए हैं, मगर मेरे चैनल पे सारे लोगों के जो पैसे जोड़े हैं दोस्तों करोड़ रुपये के ऊपर लोग यहां से पैसा कमा चुके हैं SS मार्केट न्यूज़ से, सारे सब्सक्राइबर को मिला के अगर मैं यहां पे अगर कैलकुलेशन निकालूं तो शायद करोड़ रुपये के ऊपर यहां पे पैसा कमा चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये पहले से ही मैं आपको मतलब जब मैं टेक्निकल चार्ट न्यूज़ बेस सारे इंडिकेटर लगा के पहले से आपको बता देता हूँ, और अगर यूट्यूब चैनल में सारा यूट्यूब चैनल में छानता रहता हूँ कि कौन क्या क्या कह रहा है, तो सब क्या कहते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स टूट चुका, तो टूटने के बाद बोलेंगे टाटा मोटर्स इतना टूट चुका है, पीछे थोड़ा बढ़ गया तो बढ़ने के बाद बोलेंगे इतना बढ़ चुका, तो वो तो आप भी जानते हो इतना बढ़ चुका, लेकिन पहले बताना चाहिए ना इतना बढ़ेगा इतना घटेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको मेरे SS मार्केट न्यूज़ पे आपने देखा होगा कि मैं पहले से ही बता देता हूँ कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, कहाँ कहाँ कितना आपको टारगेट मिलेंगे, हर स्टॉक्स में हर इंडेक्स में निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी हो जाए इसका बढ़ना घटना सारा बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और वो एक्यूरेसी फिर दोस्तों आपको आपके सामने 90% की एक्यूरेसी आपके निकल के आ रही है, आप मेरे इसमें वीडियो है 600 वीडियो है, आप उसमें उठा के देख लेना कितने एक्यूरेसी निकल के आ रही है, और आपने यहाँ पे लाखों का प्रॉफिट भी कमाया है। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ एंड, और मुझे है काम, अब मेरा वीडियो दोस्तों या तो दोपहर को आएगा उसके बाद या फिर इवनिंग को ही आ पाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब मार्केट में शुरुआत में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसको 13-14 तारीख को ट्रेड वार्ड का जो मीटिंग है उसको देखकर ग्लोबल मार्केट में संकेत आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट अगर वो ट्रेड वार्ड की समस्या जो अगर सुलझती हुई नजर आती है ध्यान रखेंगे सुलझती हुई नजर आती है तो मार्केट तो उठ सकता है, और मार्केट जब मार्केट वापस 11,000 को टच कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।